हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ममता और आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज जो मैंने वीडियो बनाई है, ये बनाई है मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, जैसे कि अभी स्कूल तो नहीं चल रहे हैं, स्कूल बंद है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो सब घर पर ही हैं, तो उनकी जो पढ़ाई है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका मन भागता है इधर उधर, और स्पेशली कहाँ भागता है, फोन की तरफ। या तो फोन पे लगना है उनको या टीवी पे लगना है। और फोन पर कहाँ लगना है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो इन चीजों की तरफ उनका मन लगता है, उनका मन पढ़ाई की तरफ नहीं लगता है। होता भी है हमारा ऐसा कि अगर जो है हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हमारा मन उस तरफ ही जाता है, हमारा मन उस तरफ नहीं जाता जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसा ही होता है कि पढ़ाई में तो हमें इंटरेस्ट होता नहीं है, तो हमारा मन उसमें नहीं लगता है, तो हमारा मन किस में लगता है, जो चीजें हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं। वो इंटरेस्टिंग चीजें हमें लगती हैं यही है सोशल मीडिया, फेसबुक। लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इन चीजों पे हम अगर टाइम दे रहे हैं तो हमारा हमें उसका जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा। हमें उसका आउटपुट जो है वो ना तो अभी मिलने वाला है ना आगे जाके मिलने वाला, क्योंकि जो टाइम हमने उस पर लगा दिया है वो टाइम तो हमारा बिल्कुल खराब हो गया है। लेकिन ये टाइम जो हमारी लाइफ का है ये दोबारा नहीं आने वाला है। जो हमारा पढ़ाई करने का जो वक्त है वो अभी निकल जाएगा अगर, तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो अब स्टूडेंट कहेंगे, प्रॉब्लम सभी के साथ है ये, तो अब स्टूडेंट कहेंगे कि हम क्या करें, कैसे करें कि हमारा पढ़ाई में मन लग जाए। तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूंगी कि पहले आप सबसे पहले तो ये अपने आप से पूछिए। आपको किसी और से ना पूछना है और ना किसी और के लिए कुछ दिखाना है। आपको अपने आप से पूछना है कि हम लाइफ में अपनी क्या चाहते हैं, हमारा क्या एम है, क्या गोल है। तो उसको पहले सेट करिए कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो कोई बोला है कि मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलेगा डॉक्टर बनना है, या मैं जो है रिसर्च में जाना चाहता हूँ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इन सब के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखिए, पढ़ाई कितनी जरूरी है। तो आपका जब भी मन में ख्याल आता है कि आपको पढ़ाई ना करके इन सब चीजों में लगना है, तो अपना एक एम सोचिए, अपना डिजायर सोचिए कि हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। आप अपने आसपास भी कई लोग देखते होंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी क्या हालत है आज, और ऐसे भी लोग देखते होंगे जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने लाइफ में क्या मुकाम हासिल कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा फोन हो, तो अगर आपकी डिजायर्स हैं तो आप ये सोचिए कि इन डिजायर्स को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है, क्या मैं ऐसा करूं कि जो मेरी डिजायर्स जो है बड़ी होकर पूरी हो जाए। तो उसके लिए आपको अपने आप से खुद ही जो है आंसर मिल जाएगा कि उस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन सब के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर नहीं होगी, कुछ करने की एक पैशन नहीं होगा, तब तक आपका पढ़ाई मन नहीं लगेगा। तो आप जब भी कभी आपका मन पढ़ाई से हटता है और इधर उधर जाता है, तो बस आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि हमें लाइफ में क्या अचीव करना है। मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे एक बड़ा फोन चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है। वो सपने सबके होते हैं, हर इंसान चाहता है कि मेरे पास कंफर्ट लाइफ हो, एक बड़ा घर हो, एक बड़ा फोन हो, और जो है एक बड़ी गाड़ी हो, तो हर इंसान यही चाहता है। तो आप अपने आप से, अगर आप भी यही चाहते हैं, आपका भी ड्रीम यही होगा, तो उसके लिए आप ये सोचिए कि मुझे क्या करना है। तो उसके लिए आपको करनी है पढ़ाई। देखिए, आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी लगे हुए हैं कि हाँ आप जो किस तरीके से पढ़ाई करें, और इस टाइम पे तो देखिए घर पे ही रहा जा रहा है, स्टूडेंट्स घर पे ही रह रहे हैं, तो उनके पास जो है काफी फैसिलिटी है, फोन की है, यूट्यूब की है, तो उसके जरिए पढ़ सकते हैं। काफी चैनल्स जो है बने हुए हैं स्टडी से रिलेटेड, तो उसमें आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी आपको खुद सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, और सेल्फ स्टडी के लिए आपको अपने अंदर से वो डिजायर जो है लानी होगी कि हमें पढ़ना है। क्योंकि ये नहीं कि पेरेंट्स आपके पास बैठे हुए हैं और आप पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान तो लगा हुआ है कि कब ये जाए यहाँ से, और मैं कब जो है फेसबुक देखूं या मैं कब व्हाट्सअप देखूं। तो बेटा, आपको जो है इन चीजों में खुद ही देखना पड़ेगा कि हमें जो है पढ़ना है वो अपने लिए पढ़ना है, हमें किसी और के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अपने लिए पढ़ना है, क्योंकि हमें ड्रीम्स जो है वो अपने पूरे करने हैं। तो जो आपके अंदर ये बर्निंग डिजायर होगी, आपका लाइफ में मोटो हुआ कि हाँ मुझे इसलिए पढ़ना है, तो फिर जो है आपका पढ़ाई मन लगेगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और देखिए, आजकल फैसिलिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हर फैसिलिटी है। लेकिन सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हर चीज के लिए एक टाइम दीजिए, टाइम जो है लिमिट, एक टाइम जो है उसकी प्लानिंग करिए कि मुझे इतने टाइम पे जो है ये पढ़ाई करनी है और इतने टाइम पे मुझे टीवी देखना है, तो एक शेड्यूल बना लीजिए। लेकिन ये शेड्यूल जो है वो इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, कि ये शेड्यूल केवल ऐसा ना हो कि आप इसमें सारा दिन टीवी देख रहे हैं या फोन पे लगे हुए हैं,
इसमें ये बनाइए कि मुझे इतने घंटे टीवी देखना है, इतने घंटे मुझे जो है इस पर जो है टीवी देखना है, और इतने घंटे मुझे पढ़ाई करनी है। और ये जो रूल है ये आपको खुद ही फॉलो करने हैं, ये नहीं है कि कोई आपसे कहेगा तब आप इसको फॉलो करेंगे। तो आपका जो बेस है वो अभी बनता है स्टडी का, तो आप अगर पढ़ाई पे शुरू करेंगे उसमें इंटरेस्ट लाएंगे, देखिए कोई भी चीज है जब तक आप उसमें इंटरेस्ट जो है नहीं लेंगे तब तक वो आपको जो क्या नहीं अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, और वो डेवलप केवल इसी तरीके से होगा कि आपका मोटो क्या है लाइफ में। जो आपका मोटो आपको समझ में आ जाएगी, हमारी लाइफ का जो एम है वो ये है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपने आप से पूछिए कि मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, और उस अचीव करने के लिए मेरी पढ़ाई जरूरी है या नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, और फिर आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा, मन भी ज्यादा नहीं भागेगा। तो इसको बातों को अप्लाई करिए, और स्टूडेंट लाइफ बहुत ही प्रीशियस होती है, ये टाइम लाइफ में दोबारा नहीं आता है, केवल रिग्रेट रह जाता है। तो इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।